जी, तो कैसे हो सकती है यार अब आरसीबी क्वालिफाई, और क्यों बढ़ गई है यार मुसीबत आरसीबी के लिए। देखो जितने भी इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जितने भी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं ना, और जो आईपीएल खेल रहे थे, वो सभी प्लेयरों को इंग्लैंड ने वापस बुला लिया है T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए, नेशनल ड्यूटी और कंट्री ड्यूटी के लिए। तो जैसे कि पंजाब के अंदर थे लिविंगस्टन और बेस्टो, वो वापिस चले गए। खैर पंजाब को इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पंजाब वैसे टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान से जोस बटलर ओपनिंग पेयर ही मतलब टूट गया है। वैसे ही RR पहले ट्रैक पे है नहीं, क्योंकि पिछले साल भी RR मतलब कि बहुत तगड़े मुकाबले शुरू में जीती थी, लेकिन आखिर में जितनी भाई थी उस वजह से क्वालिफाई होनी थी। इस साल हो जाएगी क्वालिफाई, लेकिन RR जो टॉप टू में लग रही थी, अब वो टॉप टू में नहीं लग रही, क्योंकि SRH हाँ आ रही है, क्योंकि SRH के भी लगभग पॉइंट हाँ हो गए। लेकिन RR के पास अभी दो मुकाबले हैं, ट्राई करना होगा। और मतलब कि RR को यार इतना अच्छा टूर्नामेंट रहा, आगे जाना चाहिए। बात करें चेन्नई की, चेन्नई से मोइन अली चले गए। मोइन अली का इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं चेन्नई को, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत है तो RCB के लिए, क्योंकि RCB से विल जैक्स जो बंदा फॉर्म में था, जिसने शतक लगाए गुजरात के खिलाफ 41 बॉलों में, एकदम खतरनाक प्लेयर, वो चला गया। RCB के लिए दिक्कत है, क्योंकि पहले तो RCB मतलब कि हाँ स्ट्रेचर पे लेटी हुई है, और उसकी जगह कौन लेगा? मैक्सवेल फॉर्म में है नहीं। मैक्सवेल ने इस साल 7 पारियां खेली, जिसमें केवल 36 रन बनाए भाई। मतलब कि अब मैक्सवेल ने 3 बार डकआउट हुआ है, क्या कर सकते हैं भाई RCB के लिए, ये मुसीबत है। रीस टोपली भी चला गया, रीस टोपली का इतना कुछ है नहीं RCB के अंदर इतना रोल, मतलब कि उसकी जगह फर्ग्यूसन खेल रहा है। हाँ तो रीस टोपली का इतना है नहीं, लेकिन विल जैक्स यार मतलब ये बंदा क्यों गया, इतना तगड़ा खेल रहा था। मतलब कि विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, कार्तिक भी ठीक ठाक, कार्तिक अभी चल नहीं रहा है, रजत पाटीदार, इन तीनों प्लेयरों के बाद अगर कोई चौथा था जो मतलब कि पारी को कोई संभाल रहा था, वो था यार बैटिंग के अंदर विल जैक्स, वो चला गया है। मतलब कि बहुत ज्यादा खराब चीज है इस वक्त, मतलब RCB के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखो अगर RCB को क्वालिफाई होना है तो उसकी दो शर्त है। पहली शर्त की LSG के दो मुकाबले बचे हैं, LSG अगर दोनों मुकाबले जीत जाती है तो RCB की बोरियां, पेटियां, बैग वेग सब चीजें बिना परमिशन के पैक हो जाएगी, RCB बाहर हो जाएगी। LSG को एक मुकाबला तो हारना ही होगा, और अगर दूसरा मुकाबला जीतती है तो छोटे मार्जिन से जीतना होगा अगर RCB को क्वालिफाई होना है। अगर LSG बड़े मार्जिन से जीतती है दूसरा मुकाबला तो क्या होगा पता है? RCB के लिए दिक्कत है। LSG अगर दोनों हार जाती तो RCB के व्यारे न्यारे मजे मजे स्कीमा का मजे मजे हो जाएगा RCB के लिए, और बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी शर्त जो CSK वर्सेस RCB का मैच होगा 18 तारीख को, उस मैच के अंदर अगर RCB वाले बैटिंग कर रही है, RCB ने दिया टारगेट CSK को 180 रन का, तो वो टारगेट मतलब कि उस मैच को RCB को CSK से 18 या 18 रन से ज्यादा जीतना होगा RCB को, अगर RCB को क्वालिफाई होना है तो। और अगर RCB बाद में बैटिंग करती है, यानी पहले बॉलिंग करती, तो CSK ने जैसे RCB को टारगेट दिया 180 रन का, तो उस टारगेट को RCB को चेज करना होगा 18.1 या 18.1 से पहले, वरना तो RCB के एल लग गए, सारी चीजें जो भी लगते हैं वो सारी चीजें लग जाएगी और RCB बाहर हो जाएगी। ये इतनी सारी सीनरियो है, टर्म्स एंड कंडीशन है अगर RCB को क्वालिफाई होना। और कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है कि RCB क्वालिफाई हो रही है या नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तब इतने देखिए, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चीयर्स।